अस्सलाम वालेकुम, आपका मेरे चैनल में वेलकम है। शाम ऑन ब्लॉग यानी मेरी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको अपने बेबी का सिम्टम्स बताऊंगी। वैसे तो अपने हर बॉडी अलग अलग होती है लेडी की, और उनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। किसी को कुछ नहीं होता है, उनकी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत आराम से निकल जाती है, और किसी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है मैं जो गर्ल्स में सिम्टम्स है वो किसी को बॉय में होते हैं, और किसी को जो बॉय में है वो गर्ल्स में होते हैं। तो ये मैं अपने सिम्टम्स आपको बताऊंगी कि मेरे सिम्टम्स क्या थे बेबी गर्ल में। मेरी बेबी गर्ल का बर्थ 2022 में हुआ था, जो 2 साल की हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी छोटी सी कोशिश से मेरा बहुत चीज़ हो सकती है, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अभी मैं बिल्कुल नया नया ये वीडियो वगैरह बनाना सीख रही हूँ, तो ना मुझे कोई ऐसी खास एडिटिंग आती है ना कुछ आता है। तो प्लीज़ उस चीज़ों पर ना जाके मेरी कोशिश को पर ध्यान दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे बेबी गर्ल के टाइम में मेरा फर्स्ट सिम्टम्स जो था क्रेविंग। क्रेविंग को लेके लोग कहते हैं अगर आपको मीठे की क्रेविंग है, और आपको चटपटा कोई ख़ास पसंद नहीं है, मीठा पसंद है, तो आपको गर्ल होती है। पर मेरे केस में ये उल्टा था। मैं शुरू में बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया मैंने, सिर्फ मैं तीखा तीखा ही खाती रहती थी। एंड में जाके मैंने थोड़ा बहुत मीठा खाना स्टार्ट किया था, पर मुझे ऐसी कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं थी मीठे से। मिल गया खा लिया, सही है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। पर मुझे स्पाइसी फूड पसंद था, स्वीट नहीं। एंड सेकेंड सिम्टम्स है मेरा कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस, मुझे 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रही है। इतनी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रही है कि मैं बता नहीं सकती। मुंह कड़वा रहना, कुछ भी खाओ तो एकदम वॉमिटिंग हो जाना, वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा मुझे 3 मंथ तक मॉर्निंग सिकनेस रही है। मॉर्निंग सिकनेस मुझे 3 मंथ्स तक ही रही है, उसके बाद मैं काफ़ी हद तक सही हो गई थी। और 5th मंथ तक आते आते मेरी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। अगर मैं अब कुछ खाती भी थी तो मुझे एकदम से वॉमिटिंग नहीं होती थी। तो कह सकते हैं जो हैवी मॉर्निंग सिकनेस मुझे रही है वो 3 मंथ तक रही है, और उसके बाद मुझे रही है पर हल्की फुल्की कभी कभी। और मेरा 3rd सिम्टम्स है थूक बहुत ज़्यादा आना, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता था मुझे। मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करी है उसके, मुझे ये समझिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के मुझे 3-4 हफ्ते बाद ही इतना सलाइवा बनने लगा था, इतना थूक आता था कि मैं वॉश बेसिन में जाके थूक के आती थी, इतने में टैप बंद करती थी, दोबारा आती थी, इतने मेरा मुंह फिर भर जाता था। ये भी मुझे साथ 3 मंथ्स तक इतना ज़्यादा रहा है, बहुत ही। तो इस चीज़ से तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इतना मैं वॉमिटिंग से नहीं थी जितना मैं बार बार थूक आने से थी। उफ, आज भी मैं वो चीज़ें याद करती हूँ तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था वो मेरे लिए। एंड 4th स्मेल तो मुझे इतनी आती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे आटे में से तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती थी, हर चीज़ में से, हैंड वॉश हुआ, हर चीज़, मतलब ये समझिए मेरे घर में जो पहले चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और उसके बाद में, मुझे में से 90% चाहे वो साबुन हो, हैंड वॉश हो, सरफ़ हो, आटा हो, खाने पीने की और चीज़ें हों, सब में से ऐसी स्मेल आती थी, बस मैं इरीटेट हो जाती थी। तो ये भी मेरा बेबी गर्ल सिम्टम्स है। पीछे मेरी बेटी खेल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और 5th कि मेरी जो उस टाइम पे FHR थी वो क्या आई थी। मेरी 1st अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में FHR FHR उसमें आई ही नहीं थी, क्योंकि वो 6 वीक में हुआ था। मैं आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करूँगी। हाँ, 2nd में मेरी FHR आई थी, जो मेरा 20 वीक्स में हुआ था, 5th मंथ की स्टार्टिंग से मैं इसे लेके आपके 5th मंथ के एंड में होता है वो। तो उसमें मेरी FHR आई थी 150 पर मिनट,
और मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था। पर ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एंटीरियर होने पे आपको बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से मैंने केस देखे हैं अपनी रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स वगैरह में, यूट्यूब पे भी, कि एंटीरियर होने के बावजूद भी सबको बेबी बॉय हुआ है और पोस्टीरियर होने के बाद भी बेबी गर्ल हुई है। तो जो लोग ये सोचते हैं एंटीरियर है, मेरे केस में तो ये हुआ है कि मेरा एंटीरियर होने पर मुझे बेबी गर्ल ही हुई थी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एंटीरियर होने पे बेबी गर्ल ही होगी, सबका अपना अलग अलग होता है, ऐसी कोई मिथ मत रखिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे हजारों वीडियो, जब मैंने ये कंसीव किया था फर्स्ट टाइम, मैंने भी देखे अरे एंटीरियर होनी ये है वगैरह वगैरह, पर ऐसे मैंने बहुत से केस देखे हैं जिसमें एंटीरियर होने के बावजूद भी आप बॉय हुआ है और पोस्टीरियर होने के बावजूद भी गर्ल हुई है। तो ये इस चीज़ से मेल मेरा खा गया तो जरूरी नहीं है सभी का ही ऐसा हो। और डिलीवरी डेट कहते हैं, अगर गर्ल आपने कंसीव करी है तो वो आपको डिलीवरी डेट के बिल्कुल पास में या उसके बाद होती है, और आपने बॉय किया है तो वो कुछ टाइम पहले डिलीवरी डेट से हो जाता है। तो मेरे केस में मेरी बेटी को मुझे 17 अक्टूबर दी गई थी अल्ट्रासाउंड में, एक में 16 अक्टूबर आई थी, पर मेरी बेटी 15 अक्टूबर को हुई थी। तो मेरे केस में आप ये कह सकते हैं कि डिलीवरी डेट के बिल्कुल पास ही मेरी बेटी हुई, तो ये चीज़ भी मेरे में सही साबित होती है। अब हम बात करते हैं कि बेली किस शेप में थी मेरी। तो मेरी केस में बेली ऊपर की तरफ थी, और ऊपर की तरफ मेरी बैली थी और काफ़ी राउंड आगे पीछे से थी। तो ऐसे कहते हैं अगर आपकी बैली ऊपर की तरफ है और चारों तरफ से आपको फैट है तो आपको बेबी गर्ल होती है, जो मेरे केस में हुआ है। और आपकी बैली फुटबॉल बॉल की तरह है और सिर्फ साइड में से नहीं है, बैक से नहीं है, सिर्फ आगे आगे जैसे फुटबॉल होती है, बॉल होती है, उसकी शेप की है, तो आपको बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में यही हुआ था, मुझे बेबी गर्ल हुई, मेरी बेली चारों तरफ से थी, मुझे बैक में भी फैट था, ऊपर की तरफ भी थी। तो ये चीज़ मेरे में सही साबित होती है, पर ज़रूरी नहीं है सब में हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि वेट, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपको बेबी गर्ल होती है। और अगर आप ने ज़्यादा वेट गेन नहीं किया, सिर्फ टम्मी एरिया के आसपास आपका वेट गेन हुआ है, तो आपको बेबी बॉय होता है। तो मेरी प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, इस प्रेगनेंसी का मैं आपको बाद में वीडियो बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स, अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मुझे बोलने में बहुत उल्टा सीधा हो जाता है, पर प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मैंने अपनी बेबी गर्ल के टाइम पे 9 to 10 kg के अराउंड गेन किया था। तो मेरे केस में ये भी सही है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा वजन दिन हर महीने हर हफ्ते बढ़ रहा था, वो काफ़ी अच्छे से था। मैं काफ़ी ज़्यादा चबी चबी हो गई थी, मेरा फेस भी हैवी, सब चीज़ बहुत हैवी हैवी हो गया था। तो ये भी मेरे में सही बैठता है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे ध्यान में है, पर फिलहाल मैं भी वीडियो इतनी ही बना सकती हूँ, शेयर नहीं कर सकती आपसे वो सिम्टम्स। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस टॉपिक पे या क्या सिम्टम्स आपके हैं, बेबी गर्ल में रहे थे या फिलहाल चल रहे हैं, ताकि मुझे भी ध्यान आए ये सिम्टम्स इनका ये है, ये मेरे साथ ये था। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही है। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल, सॉरी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वो व्यूज़ को जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी, भले वो थोड़े थे, पर थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट मी। अलविदा, बाय।